पहली बार ही हुआ है भाई, ये गेम स्पिरिट नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए ग्राउंड में। मैच में भाई अंपायर ने दे दिया डिसीजन नॉट आउट, तो नॉट आउट ही है। उन्हें यहाँ बीच में मैच रुक गया, ये थोड़ी ये अंपायर थोड़े पागल से है, मतलब बहुत टाइम दे रहे हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, गेट फिट विद अभिषेक। तो आज फिर से एक मैच डे व्लॉग अपलोड करता हूँ। थर्सडे है और टाइम 6 बज गए हैं। आज फिर से एक नाइट मैच है, 8 PM स्टार्ट है। तो लेट्स सी हाउ द मैच गोज और किस किस के जा रहा हूँ, कैसे हो रहा है सब दिखाता हूँ, ठीक है। हर टाइम भाई एक बारी में तो पहुँचते नहीं हम। स्नैक्स, मैच जाने से पहले थोड़ा कुछ भूख लग रही है तो कैरी करते हैं भाई। क्या लिया जाए, क्या लोगे तुम? बर्गर लेना है क्या? यूं करके क्या आ रहा है, चिकन बर्गर ही लाऊंगा मैं। तू भी, तू तो चिकन खाता नहीं है। हिमांशु भी नहीं खाता चिकन। तू चिकन नहीं खाता? नहीं ले। चलो भाई रास्ते के लिए स्नैक्स ले लिए। क्या खा रहा भाई प्रणव? बर्गर। कौन सा बर्गर है? वेज। हाँ। मैं ले रहा हूँ चिकन सैंडविच। ये आड़ू भूखा, इसको कुछ भी खुआ दो। क्या खा रहा है भाई? जो मिल जाए तला हुआ मगरमच्छ। कोशिश करें अब पहुंच जाएंगे भाई, 15 मिनट में ग्राउंड पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं। चलो ग्राउंड पहुंच गए, लेकिन हमारा मैच टाइम लगेगा अभी स्टार्ट होने में। अरे यहाँ लेटेंगे ग्राउंड में। ग्राउंड में लेटेगा, पागल हो गया भाई। कितना बढ़िया वेदर, कितना मस्त लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है दुबई सिटी में आ गए हैं खेलने। और ये शेक है नकली नकली शेक शेक काउंट ओए इधर आ। नेवर एंडिंग लव फॉर डॉग्स, मस्त लगते हैं यार। और मेरे से ही प्यार करते हैं, देख काट नहीं रहा मुझे। काट रहा है? नहीं काट रहा। सुंदर लग रहा है कितना। माशू तेरे से भी सुथरा है ये। ये मैच कंप्लीट होने वाला है और हम वेट कर रहे हैं कब हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद देखते हैं आज कितने रन बनेंगे भाई, बेइज्जती ना हो जाए। और एक उसके बाद एक सरप्राइज भी है। मच क्या है सरप्राइज? आज 100 बनाएगा ये। नहीं मैच के बाद भी है क्या कुछ सरप्राइज बतानी नहीं है क्या? हाँ भाई मानसू कर लेगा वेट मैच स्टार्ट होने का। फिल्म देख ले, देखो फिल्म भी। पहली बार आया क्या मैच देखने वैसे? चलो होपफुली इसको अच्छी बैटिंग देखने को मिले कभी। ये नुका है, कैस खेला है। ये नदीम की कानपुरी चप्पल स्पेशल ऑर्डर में मंगाई है जज्जू बिल्ली ने। क्या पठानी वो भी 180 चेज कर रहे हैं भाई। कुनाल आ चुका है सपोर्ट करने के लिए, स्कूटी पे बैठ गया। स्कूटी पे बैठ गया। यहाँ बीच में मैच रुक गया, ये थोड़ी
ये एम्पायर थोड़े पागल से है, मतलब बहुत टाइम दे रहे हैं डिसीजन लेने में। इतने जने जमा हो गए बीच में आ गए सब। क्या सीन है ब्रो? और दूसरी टीम छोड़ के भाग गए मैच। फिर मैच यहीं पर खत्म हो गया आधे मैच में ही। क्या सीन है ब्रो? मैच ही छोड़ दिया यार उन्होंने। पहला मैच ऐसा हुआ जो बिना खत्म हो जीत गए हम। हमारी टीम के 15 ऑलमोस्ट 1 बज गया भाई और अब घर पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में। मैच में तो कुछ अजीब ही हो गया भाई आज, मतलब 178 हम चेस कर रहे थे, 178 चेस कर रहे थे। कुणाल फिर क्या हुआ बताइयो? अपील हुई थी लेकिन पहले नो डाउट दे दिया, उसके बाद दूसरी टीम भाग गई ग्राउंड छोड़ के। पहली बार ही हुआ है भाई ये, गेम स्पिरिट नहीं होता ये नहीं होना चाहिए ग्राउंड मैच में। भाई अंपायर ने दे दिया डिसीजन नॉट आउट, नॉट आउट तो नॉट आउट ही है। उनने एक वाइड नहीं दी थी, नो बॉल जो वाइड थी उसके ऊपर से बहुत, हमने उसमें कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करा था, हमने मैच ऐसे छोड़ा नहीं बीच में भाई। सही बताऊं डर गए थे मजाक से हट के, हमने सोची उनके बॉलर तो हो गए खत्म और अब कौन बचाएगा रन। तो भाई 178 चेज कर रहे थे और 9 ओवर में 82 रन थे हमारे और 2 आउट थे और नीचे भी बैटिंग थी और एक लड़का और मैं बैटिंग कर रहे थे। अच्छा प्लेयर था, अच्छा प्लेयर खेल रहा था वो भी, तो ठीक है कोई बात नहीं, हमें 2 पॉइंट मिल गए। वो कवर दे दिया उस टीम को, उसने मैच छोड़ा तो हम जीत गए और 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और मटन कैसा था भाई? मटन एक नंबर था, बड़ा टेस्टी था, चिकन भी, बटर चिकन भी, मजा आ गया। और पनीर कैसा था भाई? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। चलो तो भाई घर जाते हैं। ओके okay.